बिहार में कंपकपाती ठंड के लिए हो जाएं तैयार। 27 दिसंबर से आंशिक बारिश के आसार, आज से चलेगी पुरवैया। बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, अपार्टमेंट की छत पर था बच्चा और 2 घंटों से लगातार खोजबीन कर रही थी पुलिस। यह मामला पटना के शास्त्री नगर का बताया जा रहा है। धार्मिक शहर बनारस में सांस्कृतिक धार्मिक आध्यात्मिक माहौल में नेपाल भारत सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वारा भारत नेपाल संबंधों की प्रगाढ़ता को विकास की ऊंचाई पर ले जाने के लिए कार्यवाहक राजदूत श्री राम प्रसाद सुबेदी, को चेयरमैन बीपी कोइराला, इंडिया नेपाल फाउंडेशन, नेपाल एम्बेसी नई दिल्ली के सहयोग द्वारा आयोजित 1 दिवसीय नेपाल भारत सांस्कृतिक आदान प्रदान हेतु पारंपरिक नृत्य शैली मारुनी देउड़ा, तमांग सेलो, देशभक्ति उमेश शाही, नेपाल के सुप्रसिद्ध नृत्य आयोजक एवं सांस्कृतिक सचिव व उनके समूह द्वारा बनारस के मशहूर कथक कलाकार ममता टंडन एवं रविशंकर मिश्र द्वारा नृत्य शिवानंद व ख्यात भजन गायक गणेश पाठन का भव्य आयोजन किया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 97वें जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को बाइक द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर युवा अटल संकल्प यात्रा भैंसासुर घाट से दक्षिणी विधायक एवं राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में निकाली गई। मैं आपको बता दूं कि ये बाइक यात्रा राजघाट से लेकर मच्छोदारी पार्क, विशेश्वरगंज, मैदागीन चौक, गोदौलिया इत्यादि जगहों पर घूम के जैतपुर में समाप्त हुई। आज पराडकर भवन मैदागीन में विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान की प्रेस वार्ता हुई। संस्था के विगत 4 वर्ष के क्रियाकलाप का जिक्र हुआ। संस्था ने कोरोना काल हो, पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो, जल संरक्षण हो, इन सभी मुद्दों पर अच्छा कार्य किया है। लोगों को रोजगार दिलाना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, बाल मजदूरी के प्रति जागरूकता पैदा करना हो, संस्था ने हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। संस्था अपने सहयोगी दल भाजपा को ही समर्थन करते हुए नजर आ रही थी। संस्था का कहना है कि वो उसी का समर्थन करेगी जो राष्ट्र हित का बात करेगा। निगरानी के छापे में 19 लाख नगद, 24 बैंक खाते, सोने की ईंटें हुई बरामद, धन कुबेर निकले छपरा जेल अधीक्षक। निगरानी ब्यूरो ने 3 ठिकानों पर मारे हैं छापे। बिहार के किशनगंज जिले में शादी के 7 महीने बाद झील से बोरे में बंद मिला महिला का शव। शव मिलने के बाद मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। अररिया में खनन माफियाओं को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हुआ हमला, 7 पुलिसकर्मी जख्मी, चौकीदार हुआ गंभीर रूप से घायल। बिजली कनेक्शन काटने गए SDO, JE असिस्टेंट, रेवेन्यू इंजीनियर और मिस्त्री के साथ जमकर हुई मारपीट। यह घटना कंकड़बाग थाना अंतर्गत पंचशिव हनुमान मंदिर स्थित SS टावर के समीप हुई। इस मामले में पुलिस ने कैफे के संचालक प्रवीण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कैफे का 51,000 रुपए बिजली बिल बकाया था, इस पर ये सभी टीम बिजली कनेक्शन काटने पहुंची थी। बिहार में 32 जिलों में कालाजार मरीज खोज अभियान शुरू, घर घर जाकर मरीजों की पहचान करेंगी आशा कार्यकर्ताएं। बिहार यूपी के खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज सुपर 7 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।